खबर चिरमिरी से है। चिरमिरी के हल्दीबाड़ी एनसीपीएच में चिरमिरी भाजपा मंडल की बैठक आहूत की गई है। बैठक में पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भाजपा के पुरोधा सर्वप्रथम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा युवा मोर्चा महिला मंडल मंडल पदाधिकारियों बूथ अध्यक्षों और भाजपा कार्यकर्ताओं को मंडल अध्यक्ष डमरू बेहरा संबोधित करते हुए कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि विश्व में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। यह तभी संभव हो पाया जब भाजपा के एक एक कार्यकर्ता जमीन पर उतर कर अपना काम किए थे, लेकिन आज हम अपने मंडल में वो ऊर्जा नहीं देख रहे हैं। इस बार सिस्टम में भी फेरबदल हुआ है। मिस कॉल, रेफरल कोड और पूरा परिचय भर कर देना है और सक्रिय सदस्यता के लिए कम से कम 50 लोगों को भाजपा की सदस्यता अपने रेफरल कोड से भरवाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में पार्षद और पार्टी में पद के इच्छुक इस बात को गांठ बांध ले कि वो तभी अपना दावा कर सकेंगे जब वे सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में 50 लोगों को सदस्यता दिलाए होंगे। वहीं मंडल के कार्यकर्ताओं में जोश भरने शामिल हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सबसे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया और कहा कि आपकी ही अथक मेहनत की बदौलत मैं विधायक बना, प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री बना। आपने ही केंद्र में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। श्री जायसवाल ने कहा कि आप खाने में कितना भी वैरायटी मेंटेन कर लें, अगर खाना बनाने वाला ठीक नहीं है तो स्वादिष्ट खाने की उम्मीद नहीं कर सकते। खाना बनाने का काम हमारा नगरीय निकाय है, इसलिए भाजपा 40 वार्डों समेत महापौर के लिए कमर कसी है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि 100 से ज़्यादा सदस्यता बनाने वाले कार्यकर्ताओं को धार्मिक यात्रा में शामिल होने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं 12 से 16 घंटे काम करता हूं तो यह आपकी ऊर्जा है और आप लोगों के सम्मान में कोई कमी ना हो इसलिए करता हूं, लेकिन निकाय चुनाव जीतना क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है। इसके साथ ही एक बार फिर महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महिला स्वसहायता समूह निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण करा लेने की बात पर जोर दिया। वहीं भाजपा महिला मोर्चा को नवरात्रि में 3 दिन भव्य रूप से आयोजित होने वाले डांडिया के टीम को तैयार करने, रूपरेखा बनाने जवाबदारी दी। उक्त कार्यक्रम में बूथ अध्यक्ष से लेकर भाजपा के विभिन्न मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारी, मंडल के कार्यकर्ता पदाधिकारी व जिला स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज चिरमिरी मंडल में सदस्यता अभियान को लेकर मंडल स्तरीय बैठक था, इसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो हमारा सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है उसमें स्वच्छता को लेकर, साफ सफाई को लेकर और अन्य ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को लेकर भी बातचीत आज हुई है और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो पार्टी के द्वारा लक्ष्य दिया गया है उस सदस्यता अभियान में अपनी बड़ी भूमिका निभाने हेतु सभी ने कहा है। बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक के पदाधिकारियों को किस प्रकार का लक्ष्य दिया गया? देखिए, जो हमारे सदस्य हैं उनको सक्रिय सदस्य बनने के लिए 50 का लक्ष्य दिया गया है और ऐसे जो सदस्य जो बूथ अध्यक्ष बनने की इच्छा रखते हैं, मंडल के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी या राष्ट्रीय पदाधिकारी या उसमें एक्टिव रहना चाहते हैं तो उन सभी को 50 बनाने का लक्ष्य दिया गया है और 50 से ऊपर भी जो सदस्य बनाएंगे उनको भी प्रोत्साहित किया जाएगा। 100 से ऊपर लक्ष्य बनाने वाले को कुछ आपने घोषणाएं भी की है अयोध्या से लेकर कुछ तीर्थ स्थलों में ले जाने के लिए, वो क्या? देखिए, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यकर्ताओं को तीर्थ यात्रा हेतु, चूँकि हमारे यहाँ से अयोध्या बहुत नज़दीक है, बाई रोड भी हम जा सकते हैं, तो ऐसे कार्यकर्ता जो 100 की सदस्यता पार कर लेंगे तो उनको अयोध्या दर्शन हम ले जाएंगे, ऐसा हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने कहा।